पार्टी अभी आई है, उनका सफर लंबा है, उन्होंने अपना नाम लोगों की दिमाग और जुबान पर पहुंचाना है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। पहले वर्ष में उनका सफर लंबा है और हम जानते हैं हिमाचल की जनता कितनी जागरूक है। ये वो जनता है जो समय पर सबको अपना रास्ता बताती है और आम आदमी पार्टी को अपना रास्ता तय करने के लिए अभी लंबा समय लगेगा। मुख्यमंत्री कप्तान नए हैं तो टीम भी नई होगी। देखिए टीम मेरा मानना है कि हाईकमान ने सभी पक्षों का ध्यान में रखते हुए, जाति का ध्यान रखकर, क्षेत्रवाद का ध्यान रखकर सभी एक कंपोजिट टीम बनाई है। उसमें धनीराम शांडिल जी हमारे हैं, जो मेन हमारा उसमें कार्य प्रणाली है, धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में रोहित ठाकुर युवा इनके कन्वीनर बनाए गए हैं, वो घोषणा पत्र के चेयरमैन बनाए गए हैं, हमारे लखविंदर राणा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे संजय अवस्थी जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे राम कुमार जी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे सुल्तानपुरी जी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सब लोग किसी न किसी पदाधिकारी हैं और सब लोगों को उचित सम्मान दिया गया है। अब टीम तो बन चुकी है। अब टीम का मतलब है कि जो हमारी टीम बनी है वो एकजुट होकर जो चुनौती हमारे सामने है उसको अवसर में परिवर्तित करने का काम सारी टीम का है। कितनी सीट तरफ से शिथिल पड़ी हुई थी कांग्रेस, काफ़ी समय से हम देख रहे थे, काफ़ी समय से तो बतौर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या रणनीति रहेगी कि आप फ्रंट फुट पर आए और भाजपा से मुकाबला करें? देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस शीतल नहीं थी, ये गलत बात है, शीतल पड़ी थी। ये ठीक है कि कुछ कार्यक्रमों में कमी आई थी, कुछ फैसला होना था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कैडर जब से हम लोग तीनों की टीम घोषित हुई है, प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया है, मुझे चेयरमैन बनाया है, मैं हमीरपुर जिला में था, सारी कांग्रेस एक छत के नीचे थी, मैं ऊना जिला में था, सारी कांग्रेस एक छत के नीचे है, आज सोलन जिला में आपको पूरी कांग्रेस काफ़ी अरसे बाद एक छत के नीचे नज़र आ रही है, तो कोई शिथिलता नहीं थी। हमारे लोग जो हैं वो विचार करते हैं, सोच विचार करके जब नई टीम आई तो एक नया कैडर मूव हुआ है, पूरा कैडर हिमाचल प्रदेश में एक नई स्थिति को देख रहा है और भांप रहा है कि किस प्रकार हमने जो नया हमारा चेहरा आया है उस चेहरे के अनुसार हमने राजनीति को कैसे आगे बढ़ाना है। सुखू जी प्रचार आप अकेले करेंगे और भी होंगे आपकी टीम में? प्रचार करने के लिए प्रतिभा सिंह जी है, हमारे धनीराम शांडिल जी है, हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, हमारे हर्षवर्धन चौहान जी है, सभी लोग प्रचार करके, चार वर्किंग प्रेसिडेंट है, हर्ष महाजन जी है, सभी लोग प्रचार करेंगे, विनय जी है, कौन है, पवन काजल जी है, एक रजिंदर राणा जी है, सभी लोग प्रचार करेंगे। प्रचार का मतलब क्या होता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र में जो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है, हमने उनको धार देनी है, हमने उनको दिशा देनी है।